तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे WWE Backlash 2020 के लास्ट मिनट चेंजेस और स्पॉयलर्स के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस WWE का PPV बैकलैश कल होने जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों बैकलैश इस बारी का काफी बढ़िया रहेगा। इसके अंदर कुल मिलाकर 7 मैचेस रखे गए हैं जिनकी प्रेडिक्शन हम सुबह वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे उन सरप्राइजेस, स्पॉयलर्स और चेंजेस की जो कि WWE इसके अंदर कर सकता है। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किक ऑफ की। तो किक ऑफ के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुका है। आप जानते हैं जो बैकलैश है उस PPV में कोई भी किक ऑफ अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। ऑफिशियल्स दोस्तों अभी तक ये नहीं सोच पाए कि किस मैच को हम किक ऑफ के अंदर रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों wrestlingnews.co की माने तो गाइस यहां WWE अंद्रादी सियान अल्मस वर्सेस अपोलो के मैच को रख सकती है किक ऑफ के अंदर। US टाइटल दोस्तों दाव के ऊपर रहने वाला है और मेरे हिसाब से दोस्तों इसे किक ऑफ में रखा जाता है तो काफी सही रहेगा, क्योंकि मैं इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं, ना ही दोस्तों आप लोग होंगे, क्योंकि ये मैच हमने कई बार देखा है, लिटरली कई बार मंडे नाइट रॉ में इसे फीचर किया गया है। तो किक ऑफ के अंदर इसे रखा जा सकता है अगर प्लान्स यही रहते हैं तो। लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली चीज के ऊपर। तो भाई इससे अगली चीज जो कि बैकलैश से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है वह दोस्तों ओटिस का कैश इन। तो आप जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ऐसे मैच के अंदर है जो कि काफी बड़ा है और उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी, यानी कि दोस्तों एक हैंडीकैप मैच, उन्हें एक नहीं दो दो ओपोनेंट को फेस करना है, मेस को भी फेस करना है, मॉरिसन को भी एट द सेम टाइम, जो कि दोस्तों काफी थका देने वाला होगा। एंड टॉप ऑफ द डैट दोस्तों आपने वो रूमर भी सुना होगा कि फिंड हमला कर सकते हैं इस पीपीवी के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। तो गाइस फर्ज करते हैं कि हमें एंगल देखने को मिल सकता है कि वहां दोस्तों थके हुए ब्रॉन पर जो ओटिस है वो मनी इन द बैंक कैश इन का अटेम्प्ट करे और अकेले नहीं अपने मित्र यानी कि टकर के साथ करे, जिसके तहत दोस्तों एक बड़ा टाइटल चेंज भी यहां देखने को मिल सकता है। यहां दोस्तों ओटिस के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। चलते हैं इससे अगली चीज के ऊपर। तो भाई इससे अगली चीज जो आज की जुड़ी हुई है जो कि बैकलैश से ही जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों आपके रेटेड आर सुपरस्टार का मैच यानी कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो मैच होने वाला है ये सबसे लंबा मैच रहेगा पूरे पीपीवी के अंदर। ये लगभग 35 मिनट का शूट किया गया है, कटकटाकर दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 25 मिनट का। अब गाइस बात की जाए इस मैच के जुड़े हुए थिंग्स की, तो गाइस बताया जा रहा है कि एज इस मैच को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। एज इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कि विंस ने इसे नाम दे दिया है ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर का। और एवर एक ऐसा शब्द है जो कि अपने आप में काफी भार लेकर चलता है। एवर माना सदा सदा के लिए ग्रेटेस्ट मैच। यहां दोस्तों एज ने हाल के इंटरव्यू में ये चीज बताई कि विंस मिकमैन को इस मैच को ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर का नाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब थिंग्स काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और काफी ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित है कि लोग इसके बारे में क्या सोचने वाले हैं। अब लोग की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर क्या ये मैच खरा उतरता है ये तो दोस्तों कल ही पता चलेगा। हम चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। इससे अगली थिंग जो कि हमारी जुड़ी बैकलैश से वो जुड़ी दोस्तों बॉबी लैशली का चैंपियन बनना। तो आज से ठीक 3 हफ्ते पहले एक रूमर सामने निकल कर आया था जो कि दोस्तों ये था कि पॉल हेमन चाहते हैं कि MVP मैनेजर बने लैशली के और लैशली के कंधे पर हो बेल्ट। अब इसके ऊपर देखा जाए यानी कि इसके ऊपर विचार किया जाए तो अगर ये बात सत्य है तो यहाँ दोस्तों हमें आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है। चीज हो सकती है कि गाइस वहां बॉबी लैशली सभी को चौंकाते हुए बन जाए ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। अब आप बोलेंगे कि भाई पॉल हेमन तो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से भी हट चुका, तो गाइस वो हाल ही में हटे हुए हैं और जो पूरा का पूरा PPV है ये दोस्तों लगभग 7 जून को रिकॉर्ड हो चुका है। बताया जा रहा है 7 जून को WWE ने इसे प्री रिकॉर्ड कर दिया था। कल आपको लाइव तरीके से दिखाया जाएगा लेकिन ये लाइव नहीं होएगा, ये बिल्कुल भी लाइव नहीं होगा। और यहां दोस्तों बताया यही जा रहा है कि इस मैच के अंदर आपको शॉक भी होते हुए नजर आ सकता है, एक शॉक क्रिएट हो सकता है। तो लैशली दोस्तों यहां चैंप बन सकते हैं, अगर वो चैंप नहीं बनते हैं तब भी दोस्तों एंड ऑफ द स्टोरी लाइन यानी कि जब भी आगे जाकर इनका रीमैच होगा तो वहां लैशली को ही चैंप बनना है, क्योंकि इन फ्यूचर ब्रॉक वर्सेस लैशली की एक्सपेक्टेशंस है। अब गाइस देखते हैं क्या वो दिन लैशली का कल होता है या फिर उन्हें फ्यूचर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम चलते हैं अपने लास्ट थिंग के ऊपर यानी कि क्या रोमन रेंस कल अपीयर होने वाला है, क्या रोमन रेंस का होने जा रहा है रिटर्न। तो गाइस रोमन रेंस ने बैकलैश से पहले ही एक वीडियो लॉन्च कर दिया जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर अब आ रही है। What's up, Sean Ross Sapp?
Yeah, man. You ain't been doing your homework. Apparently, you said I'm not doing interviews because of lockdown, but that's just not true. You just didn't get in touch with the right people. But don't worry, your boss, Jimmy Van, did that work for you. He did the due diligence and the research for you, and he found me through here. So I just want to give y'all a shout out, man. I am sticking to a legit quarantine, and we are staying locked down for many reasons, not, you know, just myself, but my family and my community, and to be able to set that example. But, you know, hopefully we'll get back to normal soon, and I'll be whooping everybody's ass soon, and you can be writing all you want on Fightful.com about that. I'm sure y'all will hate. Everybody's like, why won't he come back? When's he going to come back? And then when I come back and destroy everybody, they're going to be pissed. But it's all good, because I'm the best. Yes, sir. यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने क्या कहा है, रोमन रेंस ने ये चीज़ कही है कि मैं क्वारंटाइन में हूँ और कुछ एक कारणों से हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली और पूरे के पूरे समुदाय के लिए ऐसा कर रहा हूँ और एक तरीके का एग्जाम्पल पेश मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए। आगे दोस्तों रोमन रेंस ने ये चीज़ भी कही है कि जब वो लौटेंगे तो कहर बरपाएंगे, और इसलिए नहीं कि वो रोमन रेंस है, इसलिए क्योंकि वो ही बेस्ट है। तो हाँ दोस्तों रोमन रेंस का कहना यही है। अब गाइज बात की जाए बिग डॉग की, तो बिग डॉग ने साफ कर दिया कि बैकलैश का पार्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों एक शंका तब उठती है जब इसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति यानी कि जिमी वैन ने लिखा है कैप्शन में नॉट एक्सक्लूसिव। माना ये जो इंटरव्यू था, ये जो वीडियो फुटेज था, ये कुछ समय पहले लिया गया है, ये दोस्तों फ्रेश नहीं है, अभी सामने आया लेकिन ये फ्रेश नहीं है। और यहाँ दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की बढ़ जाती है कि रोमन रेंस हो सकते हैं WWE बैकलैश का पार्ट। अब गाइज अगर रोमन रेंस बैकलैश का पार्ट होते हैं तो गाइज वो सोने पर सुहागा होगा, बिग डॉग काफ़ी समय से दिखाई नहीं दिया है, और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस का आना रेंस प्रेमियों को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देगा। तो होप करते हैं रेंस हमें बैकलैश के अंदर दिखाई दे। अगर दोस्तों रोमन रेंस बैकलैश के अंदर नहीं आते हैं तब भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रेंस ने कन्फर्म कर दिया कि वो जल्द अपना रिटर्न करेंगे, स्मैकडाउन के अंदर करेंगे और फिर सबकी तोड़ेंगे। तो रेंस का होने जा रहा है रिटर्न। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बैकलैश के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।